बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज हम मौजूद हैं सपाट अल्ट्रा मैफिक मैफिक कम्प्लेक्स के अंदर। तो इस जगह पे जो इस टाइम जिस रेची ऊपर बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और फैसिनेटिंग जो क्लियर व्यू है या जो क्लियर एक्सटेंशन है MMT की, यहाँ पर क्लियर कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमें मिल रहा है। इस जगह जो बिल्कुल मेरे सामने पास जो रॉक यूनिट्स हैं, ये सारे इंडियन प्लेट के लैंड मास हैं और ये उसकी इंडियन प्लेट की मार्जिनल रॉक्स हैं। और उसके इस साइड के ऊपर जिस जगह अभी हम बैठे हुए हैं, ये सारे का सारा जो रॉक यूनिट्स हैं, ये जो मेरे बैकग्राउंड के ऊपर लेयर्ड बॉडीज आप देख रहे हैं, ये सारे की सारे सर्पेंटिनाइज्ड डनाइट्स का सीक्वेंस है। और इसके अल्ट्रामैफिक कम्प्लेक्स और इंडियन प्लेट के दरमियान जो कॉन्टैक्ट है, ये फॉल्टेड कॉन्टैक्ट है और ये रीजनल जो हमारा MMT फॉल्ट जोन है, जो इन दोनों को आपस में सेपरेट कर रहा है। यहाँ पर जियोलॉजिकली ये एक बड़ा ज़बरदस्त वंडर है कि आपको इस तरह का क्लियर कॉन्टैक्ट मिले MMT के, क्योंकि पूरे एक्सटेंशन के अंदर इंडस सूचे मिलान जोन के अंदर इस तरह का कॉन्टैक्ट बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ पर उस साइड पे इंडियन प्लेट, इस साइड पे स्पर्ट अल्ट्रामैफिक कम्प्लेक्स के जो बेसल रॉक यूनिट हैं कुस्तान आईलैंड आर के, तो वो जो है स्पर्ट कम्प्लेक्स हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब इसी तरह हमने यहाँ पर इस जगह का जियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन डेवलप किया है। तो इस जगह जो पीछे इंडियन प्लेट की जो रॉक्स थी, उनके अंदर हमने रास्ते आते हुए जो ग्रेनेट हैं, ग्रेनेट नाइसेस वो देखे, फिर उसके बाद उसके अंदर माइलोनाइट एम्फीबोलाइट नाइसेस को इनकाउंटर किया, फिर एट द एंड आके जो मार्जिनल रॉक्स थी इंडियन प्लेट की, जिनमें गार्नेट माइका शिस्ट है, क्लोराइट शिस्ट है और फिर ग्रिफेटिक फिलाइट होराइजन हैं, और उसके बाद MMT जो फॉल्ट जोन है, ये स्पर्ट अल्ट्रामैफिक लेयर्ड बॉडीज जो है उसके ऊपर थ्रस्ट की हुई, और ये जो सारे का सारा सीक्वेंस है स्पर्ट का, ये इंडियन प्लेट के ऊपर थ्रस्ट किया हुआ है अलॉन्ग MMT। फिर उसके बाद ये पूरा थिक एक सीक्वेंस है स्पर्ट अल्ट्रामैफिक लेयर्ड बॉडीज, जो जिनके अंदर सर्पेंटिनाइट डनाइट, उनके अंदर क्रोमाइट, उसके अंदर फिर पेरीडोट मिनरलाइजेशन मिलती है। फिर इसी तरह ये पीछे जाते जाए तो फिर मैफिक कम्प्लेक्स जिसमें गैब्रोज, अब इस जगह जो यूनिट आ जाता है यहाँ पर इस जगह पर लेयर्ड बॉडीज, फिर उसके साथ लेयर्ड गैब्रोज जो मैफिक कम्प्लेक्स है वो मिल रहा है, जिसके अंदर एम्फीबोलाइट स्पेशी तक उसकी मेटामॉर्फिज्म भी हुई है लेयर्ड गैब्रोज के अंदर, और उसके साथ ऊपर पायरेक्सिनाइट, क्योंकि सारा हमने ट्रेवल कम्प्लीट किया, देन आफ्टर यहाँ पर आकर हमने इसका जियोलॉजिकल स्केच बनाया, फिर उसके पीछे पूरा जो सीक्वेंस है लेयर्ड गैब्रोज और उनके अंदर आपके पायरेक्सिनाइट की जो पिगमेटाइट वेन्स हैं वो हमें मिली हैं। लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट का है, ये जो बिल्कुल मेरे सामने इस टाइम अल्ट्रामैफिक कम्प्लेक्स लेयर्ड जो डनाइट सर्पेंटिनाइट जोन है, जिस टाइम हम इसी के एक्सटेंशन में यहाँ पर खड़े, तो इसके अंदर हमने मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर क्रोमाइट लेंसेज को रखा है, मुख्तलिफ जगह पर हमने उसको मैप किया है और मुख्तलिफ इस जगह इसके यूनिट के अंदर पेरीडोट मिनरलाइजेशन को भी देखा है। हम इस जोन के लॉन्ग हम मल्टीपल ट्रेवर्सेज कर रहे हैं और इसको हम मैप भी कर रहे हैं, इसके जियोलॉजिकल स्केचेस भी, और इसके ऊपर डिटेल वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टास्क था जो हमने कंप्लीट किया। अब हम मजीद इस जगह नीचे की तरफ उतरेंगे ट्रेवर्स को कंप्लीट करके, तो नीचे जो भी हमें कोई रॉक यूनिट मिलेंगे तो हम उनको मैप भी करेंगे, उनको उनके अंदर इकोनॉमिक जो भी मिनरल्स है उसको देखेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल इस जगह का ट्रेवर्स था जो आज हमारा कम्प्लीट हुआ। बाकी हमने इस जगह पर इसके क्रॉस सेक्शंस भी बनाए, लिथोलॉग्स भी बनाए, जो भी हमें यहाँ पर रॉक यूनिट मिलते हैं तो उनके हमने इसको लिथोलॉग यहाँ पर डेवलप किए।